कितनी गर्मी है और अब तरबूज का ही सहारा है, बड़ा बुरा हाल है। तो कहीं जाना तो हो नहीं पा रहा है, कहाँ जाए इतनी गर्मी में ब्लॉग करने, बड़ा मुसीबत है। लाइट तो बुलवाए थे, कहीं जाने लायक ही नहीं हो रहा है। सामान बड़ा बर्तन लिया बेटे, मिस्टर से लाल बढ़िया लाल लाल तरबूज देख करके मजा आ गया, रसीला रसीला। आए हाय हाय हाय, क्या बात है इतनी गर्मियों में, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा तरबूज बेटा बर्तन लिया, अब इसका सेवन करेंगे। ब्लैक साल्ट डाल रहा है, कट रहा है तरबूज, देखिए गाइस ये। तो गाइस ये अपने हाथों पे हमने ले लिया और मुंह में ऐसे खाएंगे, देखो आप दिखा देते हैं। वाटरमेलन पार्टी सनी देओल तो बहुत बड़ा कलाकार है, कह रहे हैं आज सनी देओल लग रहे हैं, कह रहे हैं ये देखो लग रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। हमारे पिताजी धर्मेंद्र थे, फिर पिताजी धर्मेंद्र लगते थे तो हम सनी देओल हो गए। थैंक यू वेरी मच।
बिरजू महाराज की जय। ये हमारे हीरानगर हल्द्वानी में स्थित है बिरजू महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर, और इष्ट देव है हमारे, बहुत सुंदर मंदिर, आइए दर्शन करवाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं इस मंदिर के कुछ विषय में कि क्या ऐसा है, कब स्थापना हुई, क्या हुआ, आइए पता करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ पंडित जी? शुभम सुयाल जी हैं ये। शुभम सुयाल जी, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई? इससे 14-15 साल। 14-15 साल इस मंदिर को हो गए हैं। ये गोलजू का बहुत अच्छा मंदिर है और यहाँ यज्ञ हवन वगैरह होते रहते हैं ना पंडित? हाँ। और क्या क्या कार्य यहाँ से आप संपन्न कराते हैं? यहाँ सामूहिक शादी होती है, सब होता है, जने भी होते हैं, जैसे गंगा दशहरा कल भी सामूहिक जने होंगे, बसंत पंचमी के दिन होते हैं, मकर संक्रांति के दिन, बाकी अच्छे अच्छे होते रहते हैं। तो यहाँ आपने सुना पंडित जी से, सुयाल जी से, कि यज्ञ हवन और सामूहिक विवाह सभी समारोह या सभी कार्य यहाँ पर होते हैं संपन्न, तो मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये तो सबने लाभ उठाना चाहिए यहाँ पर आकर के लाभार्थियों को। तो पंडित जी, किस किस सीजन में या आप बरबंद का क्या सीजन रहता है? ये फरवरी टाइम, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति, 15 जनवरी को मकर संक्रांति होती है उस टाइम पे होता है, और फरवरी और एक गंगा दशहरा कल होगा जैसे, और कभी कोई अगर करवाना चाहे 4-5 लोग आ जाए तब। तो बता दिया आपको पंडित जी ने, फरवरी के माह में होता है ये, और गंगा दशहरा कल है कह रहे हैं आप, तो कल गंगा दशहरा है, ये भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है। तो बहुत अच्छा मंदिर है बिल्कुल, आप लोग भी अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाया करिए, आइए यहाँ पर, और सामूहिक विवाह के लिए और यज्ञोपवीत संस्कार के लिए पंडित जी संपर्क कीजिएगा। पंडित जी अपना नीचे मोबाइल नंबर मुझे दे देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा नीचे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर डाल दूँगा, इस मंदिर में आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ के संस्थापक श्री निर्मल भट्ट जी हैं, वो अभी मौजूद नहीं है वरना मैं उनसे भी बातचीत करता। तो चलिए, बहुत अच्छा इनका अनुभव है, बहुत छोटे हैं अभी तो, फिर भी आध्यात्म प्रति इतनी रुचि, तो ये भी एक समाज को संदेश जाना चाहिए कि जो है थोड़ा आध्यात्मिक तरफ बढ़े और ईश्वर से लगन लगाएं। और यहीं बगल में शनि मंदिर, लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, हर शनिवार दिया जलाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल और वड़ दोनों का वृक्ष है यहाँ पर, और हर शनिवार को यहाँ पर पूजा होती है, भक्तजन आते हैं। बहुत सुंदर परिसर,
काफ़ी बड़े क्षेत्र में, उत्थान मंच के बगल में, हीरानगर हल्द्वानी। आइए आपको मंदिर परिसर का परिक्रमा द्वार दिखा देते हैं। ये पूरा परिक्रमा है, यहाँ से काफ़ी बड़ी जगह है और तरह तरह के वृक्ष लगे हैं। बहुत सुंदर वाटिका से आच्छादित ये मंदिर, बहुत सुंदर। ये पीने का पानी यहाँ पर बहुत अच्छा, वातावरण शुद्ध स्वच्छ और मन को प्रफुल्लित करने वाला वातावरण। ये यज्ञ आहुति के लिए यज्ञ ही, यहाँ पे यज्ञ हुआ करता है और गोलजुकी पूजा होती है, आराधना होती है उनकी। तो गाइस, अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है मेरा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।